हेलो स्टूडेंट, क्लास सेवन्थ मैथ्स में कल अपन पढ़ चुके थे 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 था। 8 क्या था अपना? अ रेक्टेंगुलर फील्ड वाला, जिसका अपने को पेरिमीटर फाइंड करना था। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक रेक्टेंगल के बारे में बता देता हूँ। मुझे ये बताया नहीं था रेक्टेंगल किस टाइप का होता है। जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड क्या है, रेक्टेंगुलर टाइप है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है। ठीक है, इस टाइप का होता है। कोई भी अपना कॉपी का एक पेज देख लो, ठीक है, तो वो क्या है, रेक्टेंगुलर टाइप का। अपनी बुक, ये क्या है, रेक्टेंगुलर टाइप का पेज है। ठीक है, किसी भी पेज को देख लो, ये रेक्टेंगुलर टाइप है, इसकी लेंथ और ब्रेथ होती है। उसके बाद उसका पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी चीज़ का पेरीमीटर मतलब उसकी बाउंड्री, कि यहाँ से चल के यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, टोटल डिस्टेंस कितनी हो रही है, वो होता है उसका पेरीमीटर। ठीक है, तो ये अपन क्वेश्चन किया था कल। अब आते हैं अपन 9 वाले पे। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 7 इफ वन नंबर इज 11/7 फाइंड द। मतलब दो नंबर का सम दे रखा है अपने को, उसमें से एक नंबर दे रखा है। तो जब भी ऐसा हो तो अपने क्या करना पड़ेगा, केवल माइनस करना पड़ेगा। सम ऑफ टू नंबर कितना दे रखा है, 7। सम ऑफ टू नंबर नंबर इक्वल 7। ठीक है, वन नंबर इक्वल कितना है, 11/7। तो अदर नंबर फाइंड करना है, अदर नंबर इक्वल 11/7 माइनस 7। क्या करना पड़ेगा, 7 माइनस 7, सम में से माइनस करने पर 11/7। सोल्व करें इसको, यहाँ 7 के अपन कुछ नहीं है तो 1, इसका मतलब एलसीएम जो है अपना कितना हो जाएगा, 7। 7 से 1 का कितना होता है 49, और 1 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11। आंसर कितना आ जाएगा, 9-1 = 4-1 = 3/7, ये आंसर। ठीक है, चलो अगला, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 5/11 सो गेट 7/11। तो यहाँ पे फिर सेम वही क्वेश्चन है, तो व्हाट नंबर शुड बी एडेड इस टाइप से पूछ लिया, तो अपने को नंबर लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करेंगे, तो लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्स को अपने किसमें ऐड करना है, देखो व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 5/11, मतलब एक्स में अपने को एड करना है 5/11। टू गेट मतलब इक्वल, क्या गेट कर रहे हैं, 7/11। तो एक्स इक्वल आंसर आ जाएगा 7/11 - 5/11। 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2/11, ये आंसर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला उसने, अ पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 8 is to 1/4 meter इज कट इन टू 2 पीस। उसको 2 पीस में, एक वायर था, वायर को 2 पीसेस में कट करते हैं। लेंथ ऑफ 1 पीस दे रखी है, तो लेंथ ऑफ अदर पीस फाइंड करनी है। तो सेम इस टाइप से पूरा टोटल लेंथ लिख लेंगे अपन, उसके बाद 1 पीस है, अदर पीस फाइंड करना हो तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग इसमें केवल इतना सा है कि इसमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, आप लोगों को उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग करोगे होमवर्क। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, द साइड ऑफ ट्राइंगल आर, एक ट्राइंगल की 3 साइडें दे रखी है, 7/2, 11/4 और 16/5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। मैंने पहले बताया था पेरीमीटर क्या होता है, उसकी सभी साइडों का सम होता है। ठीक है, तो सॉल्व क्या दिया आपने, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल 7/2, 11/4 and 16/5, ये तीनों क्या है, ट्राइंगल की साइड्स दे रखी है। अपने को इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होता है, अभी बताया था मैंने,
पेरिमीटर क्या होता है, जैसे इस बोर्ड का पेरिमीटर फाइंड कर रहा हूँ तो इसकी सभी साइडों का सम कर लिया जाता है तो उसका पेरिमीटर आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ट्रायंगल की तीन साइडें दे रखी है, अगर इसका पेरिमीटर फाइंड करना है तो तीनों का क्या करेंगे सम। तो यहाँ हो जाएगा 7/2 प्लस 11/4 प्लस 16/2, तीनों का सम करें। सम करने के लिए हमें कुछ पेंसिल निकालना पड़ेगा, 2, 4 और 5 क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 से 4, 2 से 4, 5 से 2 से 1, 2 से 2 और 5 से 1, 1, 1। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 20। यहाँ लिखेंगे अपन 20, 2 की टेबल में 20 आते हैं 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 70 प्लस 4 की टेबल में 20 आते हैं 5 टाइम 4, 5 जो 20, 5 का मल्टीप्लाई अपन किस में करेंगे 11 में, तो कितना हो जाएगा 55 प्लस 5 की टेबल में 20, 5, 4 जो 20, तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को 16 में, 16, 4 जो कितना होते हैं 48, 16 जीजा होते हैं 48, 16 फोर जाएंगे 64। ठीक है, चलो अगली लाइन में 28 डिजिट्स, इनका प्लस सम कर लो तो 6 प्लस 4, 5 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 9, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, तो आंसर आ जाएगा अपना 189/20। ठीक है, और साइड से थे ये मीटर थे इसलिए यहाँ पे भी अपने को मीटर लिखना पड़ेगा। ये आप लोगों की एक्सरसाइज खत्म होगी, क्वेश्चन नंबर कल अपने क्रांति के 1 तक किए थे, आज किए हैं 9, 10, 11 होमवर्क है और 12। 11 किसके जैसा है, सेम क्वेश्चन है 9 जैसा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ सेम किसके जैसा है, सेम है क्वेश्चन नंबर 9। चलो अब पढ़ेंगे अपन मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना। चलो क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल फर्स्ट पेज नंबर इसमें देखा है 30, चलो पुरानी बुक है पेज नंबर 30, इसमें क्या दिया है, मल्टीप्लाई एंड डिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट देम इनटू मिक्स फ्रैक्शन। आंसर अपने को मिक्स फ्रैक्शन में लाना है और उसको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्या है 5 × 4/9। ठीक है, तो यहाँ पर 5 × 4/9 में होना है, 5 के अपन कुछ नहीं है तो अपन 1 लगा सकते हैं, तो सॉल्व कैसे होगा, मल्टीप्लाई में ये ध्यान रखना अपने को कि ऊपर वाली डिजिट का मल्टीप्लाई ऊपर वाली डिजिट में और नीचे वाली का मल्टीप्लाई नीचे वाली होता है, 4, 5 जो हो जाएंगे 20 और अपन में 9 × 9। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 9 से 20 को डिवाइड करोगे तो 9 × 2 = 18 बचेंगे कितने 2, तो 20/9 का मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे 9, यहाँ हो जाएगा अपना क्वेश्चन और ऊपर क्या आ जाएगा रिमाइंडर, ये आंसर। तो इस टाइप से हो जाएंगे चारों। Example 2 देते हैं, Example 2 में फर्स्ट वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 5 × 3 = 2/5। ठीक है, 5 × 3 = 2/5, इसको मल्टीप्लाई करना है तो ऐसा ही होगा कि 5 × 3 का मल्टीप्लाई करना है वो गलत हो जाएगा, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना अपने को, तो सॉल्व 5 × 5 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 5 × 3 = 15, 15 और 2 कितने हो जाएंगे
17 अपॉन 5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपने को दिख रहा है कि 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 5 अंदर 5 ये 5 अंदर 5। तो सर हमारे से कोई क्वेश्चन नहीं है, हमारे से क्वेश्चन नहीं है, नहीं नहीं एग्जांपल तो है नहीं, एग्जांपल तो है पर अलग टाइप से। एग्जांपल 1 ही है ये क्वेश्चन नए बुक में नहीं है तो आप लोग केवल इसी क्वेश्चन को नोट कर लेना, उसके बाद में अगला फिर से लिखूंगा मैं। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे कितने, 17 बनता 17 और 1 बनता 1, ये आएगा इसका आंसर। चलिए अब एग्जांपल 2 का सेकंड वाला, ये नई बुक से देखते हैं पर नई बुक में क्या है। एग्जांपल 2 ठीक है, नई बुक में ये एग्जांपल 2 जो है, ये वाला एग्जांपल 2 पुरानी बुक का है, नई बुक से एग्जांपल 2 उसको देखेंगे। तो उसमें क्या है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई किसको, 27 अपॉन 4 ठीक है, फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई 8 बाय 15 फिर मल्टीप्लाई 10 बाय 3। चलो इसको अगर क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सही था मैंने 27 बाय 4 8 बाय 15 और 10 बाय 3। सिंप्लीफाई करना मतलब सबसे पहले जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे ठीक है, 4 और 8 दोनों 4 की टेबल में आते हैं, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 ठीक है। उसके बाद में देखें 3 और 27 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 9 ज़ा 27 और 3 वन ज़ा 3, 15 और 10 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10। अब देखिए और कौन कौन बन रहा है, जो कट गया है तो यहाँ लिखेंगे पहले, तो ऊपर क्या आ गया, 9 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1, फिर दिख रहा है कि 3 की टेबल में 9 आता है, तो 3 वन ज़ा 3, 3 थ्री ज़ा 9। अब क्या हो गया, ऊपर बचा आपके पास 3 2 2, तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12 और नीचे 1 1 1, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, अपॉन में 1 लिखते नहीं है इसलिए आंसर अपना क्या हो जाएगा 12। चलिए इसका सेकंड वाला वो भी कर लेते हैं, सेकंड वाला यहाँ लिखा हुआ है 3 is to 3 by 4 मल्टीप्लाई 3 is to 4 by 7 मल्टीप्लाई 1 is to 2 by 9। सबसे पहले इसको अपने क्या चेंज करना पड़ेगा, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, 4 3 12 12 + 3 कितना हो जाएगा 15 by 4 ठीक है, फिर 7 3 21 21 21 + 4 25 25 by 7 मल्टीप्लाई 5 5 5 + 2 7 7 by 5। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट लेंगे, सबसे पहले 5 और 25 दोनों 5 की टेबल में आते हैं, इससे भी कैंसिल कर सकते हो इससे भी कर सकते हो ये अपनी इच्छा ठीक है, क्योंकि 15 और 5 दोनों 5 की टेबल में भी आते हैं और 25 और 5 भी 5 की टेबल में आते हैं, 5 5 5 5 5 25 ठीक है, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 7 7 7। अब क्या बचा, 15 by 4 multiply 5 by 1 multiply 1 by 5 15 5 ज़ा 75 75 का 1 मल्टीप्लाई कर दो तो 75 पे आएगा, 4 1 ज़ा 4 फिर 4 1 ज़ा 4 ये इसका आंसर है।
अब इसको अपने को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 75 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 वन जा 4 बचेगा 3, ऊपर से आएगा 5, ठीक है, तो 4 एट जा होते हैं 32, 4 एट जा 32, कितना बचा, केवल 3 बचा, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे अपन डिनोमिनेटर 4, यहाँ आएगा क्वेश्चन और ऊपर रिमाइंडर, क्या चले। तो अगला एग्जांपल 4 क्या लिखा हुआ, एग्जांपल 4 में फाइंड क्या फाइंड करना है, 2/3 ऑफ 81 ये सर, ये नहीं है तो ये रुपीस वाला है क्या, ठीक है, एग्जांपल 4 क्या है, 2/3 ऑफ 81 मैथ्स में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ये बात याद रखना बस, क्या होता है ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एग्जांपल 4 क्या लिखा हुआ, 2/3 ऑफ 81 इसका सॉल्व कैसे करेंगे, 2/3 ऑफ की जगह लिख देंगे मल्टीप्लाई 81, तब 81 की अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, 3 और 81 दोनों एक दूसरे से कैंसिल होते हैं क्योंकि 81 जो है वो 3 की टेबल से डिवाइड हो सकता है पूरा, करते हैं 3 2 6 बचे कितने 2, तो 2 अगर यहाँ लिखोगे तो हो जाएगा 21, 3 7 21 और ये 3 1 3 तो ऊपर तो बन जाएगा आपके पास 71 × 2 कितना होगा, 71 × 2 = 54 तो नीचे क्या होगा 1 × 1 1, तो ये अपना आंसर है, ठीक है, इसमें तो सारे क्वेश्चन इजी है, 5/7 ऑफ 98 है तो डायरेक्ट ऑफ की जगह लगाना है आपको मल्टीप्लाई, चलो इसका कुछ एग्जांपल 5 का एक करवा देता हूँ, 5 का फर्स्ट वाला क्या है, 1/4 ऑफ अर्थ, क्या बोला क्वेश्चन में, 1/4 ऑफ अ रुपी, ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो अपने को पता है कि 1 रुपीज इक्वल होता है 100 पैसे, ठीक है, तो यहाँ अपन क्या बनाएंगे, 1/4 ऑफ की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई और अ रुपीज की जगह क्या लिखेंगे अपन 100 और पीछे क्या हो जाएगा 100 पैसे, ठीक है 100 पैसे, क्योंकि अगर अपन और रुपीज़ की जगह अगर 1 लिख देते हैं तो 1 से कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, इसलिए इसके कारण चेंज कर दिया उन्होंने 100 में, ठीक है रुपीज था रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर दिया, अब यहाँ 100 के अकाउंट में कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, 2 की टेबल से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 2 = 4 2 5 = 10 और ये 0 एज इट इज, क्या आ गया यहाँ पे, ऊपर तो आ गया 50 1 = 50 नीचे 2 1 = 2, अब 2 की टेबल से 50 फिर से डिवाइड हो जाएगा, 2 की टेबल से अगर 50 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर, 2 2 = 4 1 बचा 2 5 = 10 पीछे क्या लिखना पड़ेगा पैसे, क्योंकि आंसर का ही आया अपना पैसे, चलो ऐसे ही 3/4 ऑफ अ डे, अ डे की जगह क्या हो जाएगा उसको आवर में चेंज कर लो, पर डे की जगह क्या आ जाएगा 12 आवर, इसका कर देता हूँ मैं सेकेंड वाला, क्या लिखा हुआ है 3/4 ऑफ अ डे, ठीक है तो 3/4 ऑफ की जगह हो जाएगा मैंने पता है और अ डे की जगह क्या हो जाएगा 12 आवर्स, अब देखो 12 के अपन में कुछ नहीं है तो 1 4 से इसको डिवाइड कर दो 4 3 = 12 तो आंसर कितना हो जाएगा 3 3 = 9 9 आवर, यह आंसर। अब 7/25 ऑफ अ केजी, केजी को अपन क्या है ग्राम में चेंज कर लेंगे तो किलोग्राम 1 किलोग्राम इक्वल कितना होता है 1000 ग्राम, ठीक है फिर अगला है 2/3 ऑफ एन आवर, तो एन आवर है मतलब 1 घंटा है, 1 घंटे को मिनट में चेंज कर लो मतलब उससे छोटी मिनट में चेंज कर लेंगे, तो आवर है तो मिनट कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 1 आवर में कितने मिनट होते हैं
16 मिनट, तो वहां क्या लग जाएगा 16। चलिए अब आते हैं अपन एग्जांपल 6 व्हिच इज ग्रेटर, यही है एग्जांपल 6 व्हिच इज ग्रेटर। एग्जाम्पल 6 क्या बोला उसने, विच इज ग्रेटर, कौन से बड़ा है, तो एक तो उसने दे दिया है 16 में, फर्स्ट नंबर क्या है 3/4 और 36, या फिर हमारा लगा के दूसरा तरीके दे रखा है 4/5 और 35। ठीक है, तो दोनों को अपन सॉल्व करेंगे, जो बड़ा होगा वो देख लेंगे, या 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 36 अपॉन में कितनी है तो 1 कॉमा 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 1। एक तो दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 4 की टेबल में 9 टाइम आते हैं, 4 9 36, और यहाँ 5 की टेबल में कितने टाइम आते हैं 7 टाइम, तो ये क्या बन जाएगा 3 9 27 कॉमा 4 7 कितने होते हैं 28। दोनों में से ग्रेटर कौन हो गया, 27 भी छोटा हो गया, 28 ग्रेटर, तो 27 इज लेस देन 28। इसका मतलब ये वाला तो छोटा हो गया, वही ग्रेटर हो गया, तो कौन हो गया ग्रेटर, देयरफॉर या फिर हेंस, हेंस 4/5 ऑफ 35 इज ग्रेटर, इज ग्रेटर। ठीक है, किससे ग्रेटर है देन, या फिर साइन लगा देना है बेटा, ठीक है, इतना बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा, इज ग्रेटर देन 3/4 और 36। इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। चलो अब देखते हैं अपन जो अपन क्वेश्चन की उसके जैसे कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आराम से हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, फाइव हो सकता है, सिक्स हो सकता है। ठीक है, तो होमवर्क आज का क्या हो जाएगा, होमवर्क क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कौन सी है 2.3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, बस फाइव पर कर लेना, सिक्स वाला मैं समझ रहा हूँ।